क्लास कुछ फॉर्मूला है यहाँ पर कॉमिटेटिव। फर्स्ट फॉर्मूला है कॉमिटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, इट मीन्स ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए। यानी कि आप देखिए यहाँ पर डिजिट फर्स्ट ए है, सेकंड बी, सेम डिजिट बी एंड ए, ये एल एच एस एंड ये क्या है आर एच एस। इट मीन्स मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल ए की जगह कितना है थ्री एंड बी की जगह टू, और बी फिर से टू एंड ए थ्री, तो यहाँ एल एच एस में भी अगर सम किया तो कितना आया फाइव, और आर एच एस में भी कितना आया फाइव। तो इसको हम क्या बोलते हैं कॉम्पिटिटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक, सेकेंड फॉर्मूला है कॉम्पिटिटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, इट मीन्स ए इंटू बी इक्वल बी इंटू ए। फॉर एग्जाम्पल ए की जगह क्या है फाइव एंड बी, बी कितना जाएगा यहाँ पर थ्री, तो इन दोनों को इंटू किया फाइव इंटू थ्री को कितना है फिफ्टीन। अब राइट हैंड साइड में बी इंटू ए, तो बी की जगह पर थ्री एंड ए की जगह फाइव, तो इंटू किया तो थ्री इंटू फाइव इक्वल कितना है फिफ्टीन। इट मीन्स एल एच एस इक्वल आर एच एस, तो ए इंटू बी इक्वल बी इंटू ए। सिक्वेंस चेंज कर दिए हैं बट डिजिट क्या रहेंगे सेम रहेंगे, कॉम्पिटिटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। थर्ड है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो इसमें फॉर्मूला क्या है ए प्लस बिग ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल बिग ब्रैकेट स्टार्ट ए प्लस बी एंड ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। इट मीन्स डिजिट एल एच एस में भी और आर एच एस में भी सेम रहेंगे बट उनकी स्पेस क्या कर दिया हमने चेंज कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल ए की जगह टू है एंड बी की जगह थ्री सी की जगह फाइव, तो टू प्लस ब्रैकेट में थ्री प्लस फाइव ब्रैकेट क्लोज इक्वल ब्रैकेट स्टार्ट टू प्लस थ्री एंड ब्रैकेट क्लोज प्लस फाइव। अगर इनका सम करें फाइव और थ्री एट, एट और टू टेन, सेम चीज़ यहाँ टू प्लस थ्री फाइव और फाइव फाइव टेन, तो इनकी यहाँ पर भी टेन रहेगा, यहाँ पर डिजिट उनके सेम रहेंगे बट उनके स्पेसेस क्या हो जाएंगे चेंज रहेंगे, इनकी उनकी यहाँ पर वैल्यू जो है वही रहेगी बट उनकी जो है लिखने की जो जगह हमारी है वो क्या हो जाएगी चेंज रहेगी। अब एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ए इंटू ब्रैकेट स्टार्ट बी इंटू सी इक्वल ए इंटू बी इंटू सी। या देखिए यहाँ पर भी ए है यहाँ भी ए है, बी एंड बी सी एंड सी। फॉर एग्जाम्पल ए की जगह थ्री बी की जगह फाइव एंड सी की जगह कितना है सिक्स, तो डिजिट वही है बट स्पेस क्या कर दिया उनके चेंज कर दिया। तो इसको हमको फॉर्मूला कौन सा बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ए इंटू ब्रैकेट स्टार्ट बी इंटू सी इक्वल ए इंटू बी इंटू सी। ठीक, नेक्स्ट फॉर्मूला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स क्या होता है बट जाना, इट मीन्स जैसे ए ब्रैकेट स्टार्ट बी प्लस सी, तो ब्रैकेट के अंदर जो बी प्लस सी वैल्यू है वो ए के साथ, इसके ए के साथ इनके बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो इट मीन्स क्या होता है मल्टीप्लीकेटिव। इट मीन्स ए जो है बी से भी इंटू होगा एंड ए जो है वो किससे भी होगा सी से भी। तो ए इक्वल ए, ए जब बी से इंटू होगा तो क्या आएगा ए बी, प्लस फिर ए किससे इंटू होगा सी से तो क्या जाएगा ए सी। तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, या एडिशन में है और माइनस में भी होता है सेम चीज। ए यहाँ पर ब्रैकेट में बी माइनस सी एंड इक्वल ए बी माइनस ए सी, वहां प्लस की जगह क्या जाएगा माइनस। ठीक, अब मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल थ्री ब्रैकेट में फाइव प्लस फोर इक्वल थ्री, ये देखिए थ्री जो है फाइव से भी इंटू होगा प्लस थ्री फिर किससे इंटू होगा फोर से। अगर यहाँ सॉल्व करते हैं एलएचएस में नाइन और फाइव प्लस फोर नाइन, नाइन थ्री जा 27, यहाँ देखिए फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन प्लस फोर इंटू थ्री ट्वेल्व, तो ट्वेल्व और फिफ्टीन का सम करो 27, तो इट मीन्स एल एच एस इक्वल आर एच एस। सेम चीज अगर माइनस में होगा बाय द वे, तो यहाँ पर कितना आएगा आपके पास थ्री ब्रैकेट स्टार्ट फाइव माइनस फोर इक्वल थ्री इंटू फाइव माइनस थ्री इंटू फोर। तो अब देखिए थ्री तो ऐसे रहेगा थ्री इंटू फाइव में से फोर को माइनस कीजिए वन एंड थ्री फाइव जाए फिफ्टीन माइनस थ्री फोर जाए ट्वेल्व, तो यहाँ सॉल्व कीजिए एल एच एस में थ्री वन जाए थ्री और फिफ्टीन में से ट्वेल्व को माइनस कीजिए तो थ्री। ठीक है, तो एडिशन में भी वही है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड ये माइनस में भी, ठीक हो गया, सब्ट्रैक्शन में भी होता है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बट डिवीजन में नहीं होता है। डिवीजन में ना तो आपका कॉम्पिटिटिव लॉ होता है ना एसोसिएटिव लॉ होता है और ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। ठीक है, अब है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मीन्स क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ए अपॉन बी इज अ रेशनल नंबर, ए अपॉन बी इज अ रेशनल नंबर, तो एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा माइनस ए अपॉन बी। इट मीन्स ए अप
अपॉन बी की जगह सपोज दैट मैंने 5 लिया, 5 अपॉन 3 लिया, 5 अपॉन 3 आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर है और 5 अपॉन 3 उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस 5 अपॉन 3, क्योंकि उनका सम अगर करते हैं वो वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया ए अपॉन बी इज एडिटिव इनवर्स क्या है, माइनस ए अपॉन बी, सॉल्व किया तो ए अपॉन बी पॉजिटिव है, माइनस ए अपॉन बी तो कैंसिल हो जाएगा, ए अपॉन बी से ए अपॉन बी इक्वल क्या जाएगा, जीरो। ये क्या बोलते हैं इसको, आपको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स ए अपॉन बी, ए अपॉन बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, बी अपॉन ए, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1। तो ये सब ये कुछ फॉर्मूले हैं और आप इनको नोट कर लीजिए। ओके थैंक यू।